किसान साथियों, पूरी दुनिया में लहसुन के निर्यात के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर पूरी तरह चीन का कब्जा है। पूरी दुनिया में लगभग 70% लहसुन का निर्यात चीन के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन किसान साथियों, वर्तमान समय में जिस तरह रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण भारत को गेहूं के निर्यात का सुनहरा अवसर मिला है, बिल्कुल उसी तरह इस समय चीन पर भयंकर आपदा आ चुकी है। चीन इस समय बहुत ही बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है और इसी वजह से वो आने वाले महीनों तक लहसुन का निर्यात करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है और इसी वजह से भारत के पास चीन को पीछे छोड़कर लहसुन का निर्यात करने का मौका ही मौका है। आप इसे एक सुनहरा अवसर भी कह सकते हैं। किसान साथियों, सरकार के सक्रिय पॉइंट वो लहसुन के निर्यात पर आगे हम इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको चीन की मौजूदा स्थिति से अवगत करा देता हूँ कि चीन में कौन सी आपदा आई है, इस समय चीन को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चीन को इस परेशानी से उभरने के लिए कितना समय लग सकता है। किसान साथियों, इस समय चीन में इतने भयंकर तरीके से कोरोना फैल रहा है कि वहां की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले संघाई राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहां पर हालात इतने खराब है कि लोगों को सड़कों पर निकलने की बिल्कुल परमिशन नहीं है और कोरोना के बारे में अनाउंसमेंट वो गाइडलाइन भी सड़कों पर रोबोट के द्वारा की जा रही है। आप फोटो में देख सकते हैं। GDP यानी अर्थव्यवस्था की रेस में भारत से पिछड़ सकता है ड्रैगन। लॉकडाउन में चीन की लगभग 40 करोड़ आबादी घरों में कैद है। इस बार कोरोना के आगे पूरी तरह लाचार दिख रहा है चीन। फिलहाल 44 शहरों में लगभग पूरा लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगा है। इतना ही नहीं, NDTV की रिपोर्ट के अनुसार झेंगू एयरपोर्ट, जहां पर इकोनॉमिक जोन है, जहां एप्पल, फॉक्सकॉन समेत कई बड़ी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उपलब्ध है। संघाई के झेंगजो एयरपोर्ट से चीन के द्वारा अधिकतर एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां पर 14 दिन का लॉकडाउन लगा है और आगे भी लॉकडाउन बढ़ सकता है। चीन में कोरोना प्रतिबंधों के कारण दुनिया भर की सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। किसान साथियों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि चीन में अभी कोरोना की भयंकर लहर चल रही है और चीन को इससे उभरने के लिए कम से कम 1-2 महीने का समय लग सकता है और इसी 1-2 महीने में भारत के पास लहसुन निर्यात यानी कि गार्लिक एक्सपोर्ट करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वो कोरोना फैलने के कारण बहुत सारे देशों ने चीन की उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। इसी वजह से चीन वर्तमान समय में लहसुन का निर्यात करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है और तैयार भी नहीं है। अब भारतीय लहसुन के निर्यात को वो भारत सरकार को चीन की इस आपदा को अपने लिए अवसर में बदलना है। भारत सरकार वो गार्लिक एक्सपोर्टर को इस मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पर भी लहसुन का निर्यात करता है उस बाजार पर भारत को अपना कब्जा जमा लेना चाहिए, क्योंकि चीन इस समय लहसुन का ज्यादा निर्यात नहीं कर पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय लहसुन को चीनी लहसुन से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी पड़ेगी। चीन के द्वारा मुख्यतः इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका व यूरोप के देशों को लहसुन का निर्यात किया जाता है। अगर भारत सरकार वो भारतीय लहसुन के व्यापारी लहसुन को निर्यात करने की कोशिश करे तो इन देशों में अपना अच्छा बाजार बना सकते हैं। भारत सरकार जिस तरह गेहूं के निर्यात में सक्रिय हैं, अगर लहसुन के किसानों पर भी वो ध्यान दें और लहसुन का निर्यात करने की कोशिश करें तो लहसुन के निर्यात में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है और लहसुन का निर्यात होगा तभी किसानों की लागत निकलेगी, अन्यथा अगर लहसुन का निर्यात नहीं हुआ तो लहसुन को इस साल फेंकना भी पड़ सकता है।